हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्रीकोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलेंगे दीपक भाई से और बातचीत करेंगे कि आज हम इसका दिखाने वाले कि जानकार देने वाले। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। नमस्कार। आज हम इसका दिखाने वाले हो सिरोही अजमेरी। अजमेरी की एक बकरी है, गुजरी की दो बकरी है, बाकी सब सारी सिरोही की है। अच्छा, बाकी सारी सिरोही की बकरी है, एक अजमेरी एक दो गुजरी की, और जो अजमेरी है उसके साथ बच्चा है। अजमेरी है, सिरोही के साथ भी बच्चा है। अच्छा, सिरोही के साथ में भी बच्चा और अजमेरी के साथ में बच्चा है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं अभी प्रेग्नेंट फीमेल की और बच्चे वाली बकरी की, तो सबसे बढ़िया कौन सी रहती है? प्रेग्नेंट ले जाओ, सबसे अच्छी। अच्छा, और ये बच्चे को माँ और बकरी दोनों ट्रांसफर करेंगे तो बच्चे डैमेज होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट बकरी लेके जाता है, तो प्रेग्नेंट बकरी में मतलब किस टाइप की प्रेग्नेंट लेके जाना चाहिए और कैसी बकरी लेके जाना चाहिए? ऐसी लंबी छोटी बकरी लेके जाओ। अच्छा, प्रेग्नेंट ये जो बकरी है इस टाइप की बकरी लेके जाए तो उसमें मतलब ये कितने वजन की होगी और कितने ब्याज की बकरी है? ये दूसरी ब्याज की बकरी, खाली तीसरी भी आती है। अच्छा अच्छा, और एक पट भी है इसमें, एक पट भी है। तो जैसे पट यानी पहली बार की। अच्छा, एक पहली बार की, एक तीसरी बार की, बाकी सारी सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट बकरी है। सारी सेकंड टाइम। अच्छा, तो ये कितने उम्र रहती है इनकी? ये 18 महीने से लेकर 24 महीने। अच्छा अच्छा, तो इसमें अधिकतर मैंने बकरी में देख रहा हूँ कि जैसे कि सर के ऊपर ये पीला कलर की है, उसका कारण क्या है? ये नागपुर जाने वाली है। अच्छा, ये सेल आउट हो चुकी है? सेल आउट हो चुकी है, नागपुर जाने वाली है। छह नंग है, पांच बकरी और एक बच्चा है, जो कि ये भी नागपुर माल जाएगा। तो आप जा रहा है बच्चा। अच्छा, तो ऐसे ये जो बकरियां होती है जैसे आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसकी प्रोसेस क्या रहती है? जैसे आप पांच छह नंग भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? पांच छह नंग वो तो कस्टमर यहाँ पे आया था और शेयरिंग की सेटिंग हो गया, दो बड़ी कर लेते हैं। अच्छा, और शेयरिंग का अभी सेटिंग नहीं हुआ है, अब जब सेटिंग हो जाएगा उसका माल चला जाएगा। अच्छा, अभी शेयरिंग की व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन जब भी हो जाएगी तब माल चला जाएगा। तो अभी जैसे कि मान लीजिए बकरी पालन में क्या है, बकरी पालन में लोन भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि लोन नहीं मिलती। अच्छा, 45% की सब्सिडी के साथ लोन मिलती है। चलो, तो ये बात आपने अच्छी बताई। जैसे कि बात करते हैं लोन की, तो जैसे कि कोई लोन कराना चाहता है, कोई नया फार्म स्टार्ट करता है, आजकल मेरे ख्याल से एमपी और यूपी साइड में क्या से एनएलएम से स्कीम ज़्यादा चल रही है। हाँ, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र सब स्टेट में चलती है, लेकिन किसान कितने एक्टिव है लेने के लिए वो डिमांडेबल। तो कम से कम सबसे ज़्यादा एमपी में लोग किसान जागरूक ज़्यादा है। अच्छा, एमपी में ज़्यादातर लोन पास हो रही है ना? हाँ, लोन पास नहीं हो रही, लोग जागरूक है। अच्छा, लोग लेने के लिए अप्लाई करते हैं इसलिए। अच्छा, तो जैसे कि लोग इसको लोन को लेने के लिए जागरूकता है और इसके लिए बढ़ावा कैसे दे, मतलब कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है? एनएलएम जो स्कीम होती है जो लोन की प्राप्ति होती है, पाँच एकड़ जमीन डिमांड करते हैं। अच्छा, एनएलएम। तो फिर ये तो वही बात हो गई, जिसके पास पैसा है वही एनएलएम स्कीम को अप्लाई कर सकता है। नहीं, पाँच एकड़ जमीन तो किसी के पास भी होती है ना, छोटा किसान भी रहता है तो पाँच एकड़ जमीन तो वही जाती है उसके पास। अच्छा, और मान लीजिए जमीन वगैरह किसी के पास नहीं और धंधा स्टार्ट करना चाहता है बकरी लाइन, तो रेंट एग्रीमेंट करवा दे। अच्छा, रेंट एग्रीमेंट भी की उसके बेस पे भी हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, तो एनएलएम स्कीम में मतलब कि जो बकरी कितनी आवश्यकता होती है, मतलब कि कितनी नंग क्वांटिटी कम से कम करते हैं ऑर्डर, और कितनी मैक्सिमम होती है? 100, और मैक्सिमम तो 500 कर सकते हो। मैक्सिमम 500 होती है और कम से कम 100 नंग। 100 नंग। तो इसके अंदर जैसे कि कितने बजट में होता है, जैसे कि मिनिमम कितना बजट लगता है इसमें? 20 लाख की लोन मिल जाएगी, 100 बकरी का प्लान कर रहे हो तो। अच्छा, 20 लाख की लोन कम से कम मिलती है जो अगर 100 बकरी प्लान करते हैं और 500 बकरी करते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास होगी बात। 1 करोड़ ही? अच्छा, 1 करोड़ होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। 45% आपका। तो ये तो आपने जैसे कि एनएलएम बात ही बात कर दी स्कीम की, अगर कोई अपना कैश लेके धंधा स्टार्ट करता है तो उसके लिए आपके पास क्या बेनिफिट है और क्या आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस कस्टमर को? डिस्काउंट क्या पट्टी से देते हैं जी, अब ऐसी बकरी लेके जाएगा तो 17,000 की पट्टी से मिल जाएगी बकरी। अच्छा, 17,000 की पट्टी के हिसाब से माल मिल जाएगा। तो ये लंबी चौड़ी बकरी है, गैप की बकरी है, तो उसको कितने टाइम में बच्चा उसको क्रॉस कराना चाहिए, जो बच्चा देने के बाद? बच्चा देने के बाद 3 महीने, वो तो सारी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे आ जाऊंगा, सारी डिटेल हमारा पैराग्राफ बना हुआ है, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, वो सारी डिटेल आप उस पे पैराग्राफ बना हुआ है, कंप्लीट बना हुआ है, वो सारे पैराग्राफ में सारे सवाल के जवाब उसके अंदर मिल ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, और उसके अलावा कोई जवाब सवाल होता आप पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही आप जानकारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे? दे देते हैं जी। कस्टमर माल ले ना ले,
इसका कोई हमको मसला नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि बात करते हैं अपन वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन आपके यहाँ कंप्लीट रहता है बकरी? हाँ, 18 महीने 20 महीने की बकरी है तो वैक्सीनेशन कंप्लीट ही मिलता है। अच्छा, और हमारे राजस्थान में सबसे अच्छी सुविधा डॉक्टरों की बहुत अच्छी है। अच्छा, घर घर जाके वैक्सीन करते हैं। तो ऐसे वैक्सीन करते हैं, कंप्लीट करके रखते हैं, तो और ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके पास ऑल इंडिया अवेलेबल है? अच्छा, लेकिन कम से कम 20 कम से कम 20 नंग हो तो ही कॉल करे। ये तो, पुराना कस्टमर था इसलिए 5-6 नंग भेजे। अच्छा अच्छा, पहले 25 नंग लेके गया। फिर भी वो लोकेशन पे भी फर्क पड़ता है, जैसे कि मान लो 5-6 नंग मंगवा रहा है तो लोकेशन भी चाहिए होती है। लोकेशन भी चाहिए। अच्छा, और लोकेशन हो तो हम नहीं भेज पाते। अच्छा अच्छा, अभी और लोकेशन पे। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, बिल्कुल सही बात। महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु के रूप में होता तो हफ्ते में 2 बार गाड़ी जाती। सही बात है। तो ये आपका अगर जैसे कि रूटिंग एरिया में होता है तो जल्दी पहुंच जाता है, और नॉन रूटिंग एरिया होता है तो टाइम लगता है, लेकिन माल पहुंच जाता है। तो आपके पास पेमेंट की कंडीशन क्या रहती है? 20% एडवांस। अच्छा, बाकी पेमेंट लोडिंग टाइम पे। अच्छा, 20% एडवांस और बाकी पेमेंट लोडिंग टाइम। अच्छा, और लोडिंग टाइम पारदर्शी रखते हैं। लोडिंग टाइम पे वीडियो कॉल करके दिखा देते हैं कि माल लोड हो रहा है, ड्राइवर का नंबर देते हैं, गवाल का नंबर देते हैं, उसके ऊपर ऐसे कलर की निशानी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, वही माल आपको गवाल दे देगा। तो घर पर ही बैठे बैठे आप माल मंगवा सकते हैं, बस कैश ऑन डिलीवरी। जो बकरी सिलेक्ट करी वही बकरी आएगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, बाकी पे आफ्टर डिलीवरी है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कोई भी जानकारी चाहिए जी, बकरी की हेल्थ, बकरी की इंश्योरेंस, बकरी का PPR, सब कुछ सारी जानकारी दे देंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको पास पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरी गाइडलाइंस भी मिल जाएगी। किसी को लोन भी करवानी है तो इनके पास से सारी व्यवस्था हो जाएगी, मतलब कि करवा के नहीं देते, लेकिन आपको पूरी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे लोन पास होने की आपके पास संभावना बढ़ जाती है। और कुछ जो पेपर कागजी लगते हैं वो आप प्रोवाइड थोड़ा बहुत करवाते हैं हमारी तरफ से? तो हमारा कोटेशन लगेगा। अच्छा, जो फार्मिंग लाइन में जो कोटेशन लगता है, जो आप माल परचेस करते हैं उसका कोटेशन जो लगता है, जो बिल एक होता है और एक कोटेशन होता है, तो कोटेशन होता है जो लोन प्राप्ति के लिए आपको आसानी देता है। तो अगर किसी भाई को कोटेशन वगैरह बनवाना है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये पेमेंट मेरे ख्याल से कोटेशन होने के बाद पेमेंट फार्म वाले के अकाउंट में आता है? मान लीजिए आपके अकाउंट, आपका नंबर डाला हुआ है कोटेशन में। अब मान लो कोटेशन बनाया 20 लाख का जी, और माल बन रहा 17 लाख का जी, तो 3 लाख आपको वापस मिल जाएंगे। हाँ, और रिटर्न भी मिल जाएंगे। तो बाकी ये है कि जो भी पेमेंट रहता है वो आप जो कोटेशन लगाते हैं उस अकाउंट में ही आता है। तो अगर किसी भाई को कभी लगवाना है इनका कोटेशन, और आपसे जो भी जानकारी बात करनी है, रूबरू आप मिल के भी बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके भी बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में टाइटल में फ्लैश हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक नई जानकारी से हम लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।